गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हम क्या करेंगे, आज हम कुछ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो कि हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में। तो पहला है हमारा कि कंप्यूटर का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कंप्यूटर की ज़रूरत क्या है हमें। तो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर हैज़ बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट नाउ अ डेज। जो कंप्यूटर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुका है आजकल की दुनिया में, मतलब नाउ अ डेज मतलब आजकल। बिकॉज क्यों, क्योंकि इट इज़ वेरी मच एक्यूरेट, वो सही है, मतलब जो भी आंसर देता है वो सही आंसर देता है, फास्ट जल्दी देता है, एंड कैन अकम्प्लिश मैनी टास्क ईजिली। और सारे टास्क को अकम्प्लिश मतलब ख़त्म करना, सारे टास्क को जल्द से जल्द कम टाइम में ख़त्म कर देता है। अदरवाइज टू कम्प्लीट दोज टास्क मैनुअली, लेकिन अगर हम खुद अपने हाथों से अपने आप करें तो काफ़ी टाइम, मच मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड, तो हमें काफ़ी टाइम चाहिए होगा। बट अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा आंसर सही सही भी आ जाएगा। इट कैन डू वेरी बिग कैलकुलेशन इन जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। कंप्यूटर बहुत ही बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कुछ ही सेकेंड्स में ख़त्म करके दे देता है किसे, हमें। मोर ओवर इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट। इसके अलावा कंप्यूटर क्या करता है, काफ़ी अमाउंट में डेटा स्टोर कर लेता है, और जिस जो कि हम बाद में जाके हमारे लिए क्या हो सकता है, यूज़फुल हो सकता है। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर आपको। काफ़ी कंप्यूटर के यूजेस भी होते हैं, जैसे वो अलग अलग बिजनेस वगैरह में यूज हुआ होता है, जैसे अलग अलग। तो ये सब क्या था, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन था, तो इम्पोर्टेंस थी। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। थैंक यू क्लास, एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।